अच्छा जी, मैं आप कंटिन्यू कर रहा हूँ। रवि तुम्हें मिल गया बुक में कौमी आमदनी? रवि जी सर, मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। देखते रहो, फिर कंटिन्यू रख रहे। तो जी पॉइंट फोर सर, में आपको समझा रहा था कि जी जिस, सर, हाँ सही। तो देखो ये सारे टॉपिक्स ना उसी में होंगे आपके पास, तो आप उससे कंटिन्यू करते रहिएगा। सही है, आप अभी तो लेक्चर देख लें, आप लेक्चर से आप इंशाल्लाह उसको करते रहेंगे और फिर आप जो है किताब से भी उसको फॉलोअप कर लेना। तो पॉइंट नंबर फोर में आपसे कह रहा था कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी यही शो करती है नेशनल इनकम के जरिए कि भाई आपके मुल्क ने कितनी तरक्की की। और कोई भी, लेट सपोज आपसे अगर कर्जा मांगता है या आप किसी से कर्जा मांगते हैं, तो सबसे पहले मुल्क के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो आप कुछ चीज़ जो देखेंगे कि इस मुल्क की क्या स्टेबिलिटी है, इस मुल्क को हम कर्जा देंगे तो वापसी मिलने के चांस क्या हैं, तो वो सब के सब किसके बिहाफ पे होते हैं, वो नेशनल इनकम के बिहाफ पे आपके जो होंगे, जो बजटिंग होती है आपके, जो आपके इकोनॉमिक सर्वे जा रहा होता है उसके बिहाफ पे ये सब चीजें वो एनालाइजिंग किया जाता है। फिफ्थ है कि इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द, फिफ्थ आपके पास पॉइंट है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन मेड बाय डिफरेंट सेक्टर्स टू द इकोनॉमी। ये बड़ा अहम पॉइंट है। देखें, मुल्क जो तरक्की करता है वो सब सेक्टर से मिलकर तरक्की करता है। अगर कोई एक सेक्टर तरक्की करेगा तो फिर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता ओवरऑल, क्योंकि एक सेक्टर पर पूरा मुल्क बेस थोड़ी कर सकता है। अब हम पाकिस्तान इकोनॉमी के एनालाइज करेंगे तो बेशुमार सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज हैं। अब इंडस्ट्रीज में भी बेशुमार सेक्टर्स होंगे, टेक्सटाइल सेक्टर है आपका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है आपका, जो हैवी कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, बेशुमार आपके पास जो है वो चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह सर्विसेज सेक्टर है आपके पास, तो सर्विसेज में भी बेशुमार सेक्टर्स, सब सेक्टर डिवाइड हो जाएंगे। तो बहरहाल ये बात देखा जाएगा, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन के एक मुल्क में कितनी कंट्रीब्यूशन है। आपने पेपर में जितना यहाँ लिखा हुआ या नोट्स में लिखा हुआ उतना ही लिखना है। हाँ, अंटिल अनलेस वो अगर आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन करता है तो आप पॉइंट्स में कुछ एडिशन कर, मतलब के पॉइंट्स उतनी रहने दें, उस पॉइंट्स के मटेरियल में कुछ ना कुछ एडिशन कर लीजिएगा। इसी तरह ये डेवलपमेंट प्लानिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि भाई आपने तरक्की करनी है तो किस में तरक्की करना है या किस में आप डेवलपमेंट करना है। लेट्स से आपके कराची में बेशुमार मसाइल है, लेकिन सबसे मेन मसला आपके पास ट्रांसपोर्ट का है। तो आप ये देखें ना, आप सारे जो गवर्नमेंट है या अदलिया है वो यही कह रही है कि आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कब चलाएंगे, कब उसको उसके पाँव पे खड़ा करेंगे, या ट्रांसपोर्ट सेक्टर के मसाइल कैसे खत्म होंगे। तो उसके लिए अदलिया ने या अदालत ने देखें केसीआर को इनिशिएटिव किया कि आप शुरू करवाएं। रेलवे की जमीन खाली करवाई गई, उस पे कब्जे हुए हुए हैं। और ये देखें सही है, ओवरनाइट चेंज तो नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता देखें ये चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारे जो नेशनल इनकम में बताया जा रहा है कि आपकी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो बहुत बैक पर है, स्पेशली इन सिंध, स्पेशली इन कराची, क्योंकि कराची एक मेगा सिटी है। मेगा सिटी के अपने ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होना चाहिए जो कि दुनिया भर में राइज है, लेकिन बदकिस्मती से आपके पाकिस्तान में मेगा सिटी के हिसाब से कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। बहुत दुख की आने की बात है। ये सेवन पॉइंट ये कह रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन बताता है कि आपके मुल्क में सेविंग्स कितनी है, कंजम्पशन कितनी है और इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर कितना है, क्योंकि जब आपका इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, ये जहन में रखिएगा। जी इन्वेस्टमेंट, सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी हाँ पूछें। हाँ जी पूछें। सर, मेरे पास यहाँ पे उर्दू में जो है ना, कौमी आमदनी और रोजगार हाँ का, हाँ बिल्कुल, कौमी आमदनी है, बिल्कुल नहीं यही है ना, यही पढ़ा था ना। सही कह रहे हैं आप, यही है। और कौन सा होगा? रवि नजरिया सही कह रहे कौमी हैं। हाँ बोले, और कुछ? तो कौमी आमदनी की हमने डेफिनेशन पढ़ी है और उसके हम ना कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे, तो
तो कौमी आमदनी की अहमियत अभी हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, सही। और एंड में ना मैं जब टॉपिक नोट्स में कहाँ पर है मिल नहीं रहा मुझे। अच्छा आप पेज क्या कह रही हो आप निम्रा? नोट्स में ये वाला टॉपिक मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है नोट्स में। और हाँ सही है, आप मैंने नहीं बताया था आपको इंग्लिश में ना, सही गुड। पेज नंबर 69 पर नेशनल इनकम का पूरा चैप्टर मौजूद है, खोल लें आप तो आपको मिल जाएगा, सही है, मिल गया मदिया? जी सर मिल गया। सही है। और ये जो ना पेज नंबर 74 पर है, पेज नंबर 74 पर ये मौजूद है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी बेटा सही है, नोट्स में आपको मिल गया सब स्टूडेंट्स को? मदिया निम्रा? जी जी सर मिल गए। सही, ये सैमसंग गैलेक्सी वाले भी रिस्पॉन्स करें भाई। हाँ भाई यस सर मिल गया। हाँ चलो अच्छी बात है। अच्छा अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। ये बॉयज कहाँ रह गए, साइम और मदन? अच्छा बहुत अहम क्वेश्चन है जो कि अक्सर पेपर में आता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, समझे भाई? अगर आप मुझसे पूछो सर कि इसके चांसेस कितने हैं आने के, तो मैं जवाब दूंगा 100% इसके चांसेस हैं आने के, और 10 नंबर का ये आएगा, सही है भाई? और ये नोट्स में मौजूद है आपके। तो पेज नंबर 56 है, तो मेरे ख्याल से पेज नंबर 57 या 8 पर ये मौजूद है, मिल गया? यस सर। हाँ भाई रवि, इसको उर्दू में कहेंगे तस्वुरात, कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात, मिल गया आपको? ढूंढ रहा हूँ सर। बस कौमी आमदनी के सफ़े पे ना आगे पीछे देखेंगे आपको मिल जाएगा चैप्टर पे। इसमें लिखा हुआ है कौमी आमदनी में उतार चढ़ाव का नजरिया। आगे देखो, स्टार्ट से देखो, लिखा हुआ कौमी आमदनी में उतार चढ़ाव का नजरिया। हाँ उसके आगे लिखा हुआ है कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात, 12 आपको मिल जाएगा, आप देखिएगा। जी सर स्टार्ट से देखें। हाँ स्टार्ट से आगे देखते जाओ मिल जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कौमी खान कौमी पैदावार लिखा होगा उर्दू में। जी मिल गया। नहीं सर। खान कौमी पैदावार, खालिस कौमी पैदावार, ये देखो उसमें मिल जाएगा, गौर से देखें, शुरू से देखो चैप्टर के।
अच्छा भाई वही कर रहा हूँ। मिल गया। हमें रवि कौमी आमदनी की पैदाइश में मददगार, कौमी आमदनी की पैमाइश में मददगार, ये लिखा हुआ है। जी इससे पैदा होगा, देखो खालिस को भी पैदावार, सर, खाम को भी पैदावार, इसमें मिल जाएगा आपको। बारह भेजो भेजो। अब आप देखें तो ये GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट स्क्रीन पे शेयर हो रहा है बेटा। यस सर। सही। अच्छा GNP देन दैट इज GDP। ये अब यहां से आपको रेड स्पॉट नजर आ रहा होगा, मैं जिसपे कर्सर है आप GDP, जी सर। बाकी मध्य आपको आ रहा है। गुड। जी सर आ रहा है। पहले ये जीडीपी को देख ले, फिर मैं जीएनपी आपको समझाता हूँ। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अच्छा ये सुने आप अच्छी तरह सारे स्टूडेंट, जो मैंने डेफिनेशन स्टार्ट में आपको पढ़ाई है वो ये वाली, नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर एट मार्केट प्राइस। सही। यही डेफिनेशन जो है पूरा चैप्टर में घूमती रहेगी, ये जहन में रखिएगा। आप देखिए जीडीपी की भी तकरीबन वही डेफिनेशन है, एग्रीगेट वैल्यूज ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री विदाउट एडिंग नेट फर्दर इनकम्स रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। ये तो बहरहाल ये भी मैं समझा रहा हूँ आपको, लेकिन जब आप नोट्स को भी फोकस करेंगे तो वही डेफिनेशन घूम फिर रही है। अब देखें आप नेशनल इनकम क्या है, एक मुल्क में एक साल में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई फाइनल, आप उसको काउंट कर लें, ये क्या हो गया नेशनल इनकम, उसी को हम जीडीपी भी कहेंगे। सही। क्या लिखा हुआ है, एग्रीगेट वैल्यूज, एग्रीगेट माइनस कंबाइन मजमुआ, एग्रीगेट वैल्यूज ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, क्या एक मुल्क में जितनी एग्रीगेट वैल्यूज हुई आप उसको जमा कर लें। सही भाई, स्टूडेंट समझ में आ गया आपको? जी सर। अब जरा से तवज्जो करें। अब वो ये कह रहा है कि एक मुल्क में बहुत सारी चीजें पैदा होती हैं बाहर के मुल्क की वजह से। सही है। अब मैं ऐसे जो एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपके मुल्क में इंपोर्ट्स होती हैं, बहुत सारी चीजें बाहर से आई हैं आपके मुल्क में, जैसे मोबाइल्स हैं, सैमसंग का मोबाइल है, दीगर ओप्पो के मोबाइल है, वॉट एवर मोबाइल कंपनी है, ये सब बाहर से इम्पोर्ट हो रही है, आपके मुल्क में तो नहीं बनी है। समझ में आ रही बात? तो वो ये कह रहे हैं वो फैक्टर जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है वो अगर आप उसको माइनस कर देते हैं तो आपके पास जो होता है वो तो होता है GDP। उसका नीचे देखें फॉर्मूला आपको बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है कि GDP इज इक्वल टू GNP माइनस इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड। समझ में आ गई बात आपको? है बेटा, यानी कि आपके मुल्क में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी उसमें आप बाहर के मुल्क से जो पैसा आया इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड वो आप क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपके पास आ जाता है GDP। भाई आपके बहुत सारे अजीज व कारब रिश्तेदार होंगे बाहर मुल्क में रहते होंगे, वो बाहर मुल्क में रहते हैं उधर क्या करेंगे, वो मतलब कि बाहर मुल्क में रहते हुए वो यहाँ पैसे भेजते हैं जिसको हम कहते हैं रेमिटेंस। जब आपके पास पैसा आएगा बाहर मुल्क से तो मुझे बताएं कि
वो आपके मुल्क की मेहनत तो शामिल नहीं हुई ना, तो सुन ले अच्छी तरह, वो पैसा जो बाहर मुल्क में आएगा वो जीएनपी में तो काउंट हो जाएगा, लेकिन जीडीपी में वो क्या होता है, माइनस हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जीएनपी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आ रही बात आपको? मैं तो लिख देता हूं, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, एक बिल्कुल पूछें। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जीएनपी एज एन जो है वो ये नहीं होता कि जो सर्विसेज सिर्फ हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुई हैं सिर्फ और सिर्फ वो काउंट होंगी उसमें, वो जो बाहर वो से जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट है जीडीपी जो वाला कॉन्सेप्ट, मतलब मैं समझी आपने नहीं। मुझे जवाब दे रही है ना, वो जीडीपी है। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे जीएनपी में सारी वो काउंट नहीं होंगे जो सिर्फ हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये तो आप बता रहे हैं जी जो आपकी कंट्री में प्रोड्यूस जी हुआ है खालिस, वो जीडीपी जी चलाएगा, सही? ओके ठीक है। और जीएनपी जो मतलब बाहर से भी जो अर्निंग हुई है वो जी जिन प्रोडक्ट्स वगैरह के थ्रू, जी 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 आप देखें ठीक ना, ओके डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक, समझ ठीक में आ रहा है आपको? ठीक सर। डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक डोमेस्टिक के माने आपके मुल्क का। एन स्टैंड फॉर नेशनल, नेशनल भी आपके मुल्क का ही है था, लेकिन वो डोमेस्टिक प्लस फॉरेन सेक्टर दोनों उसमें इंक्लूड होंगे। क्लियर हो गई बात? ओके सर, थैंक यू, क्लियर यानी कि आप तो हो मुझसे पूछ रही थी ना कि सिर्फ अपने मुल्क में पैदा होगा वो क्या है, उसको हम क्या कहते जी। हैं? जीएनपी मतलब जीडीपी कहते हैं उसको। बिल्कुल गुड, सही है। देखे ना, फॉर्मूले पे गौर करें, जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो फॉरेन सेक्टर है उसको हमने माइनस कर दिया तो क्या हो गया आपके पास, जीडीपी हो गया, सही? जीडीपी आप इसे फॉर्मूले का फुल फॉर्म बता दीजिए। जीडीपी का फुल फॉर्म है खाम कौमी पैदावार, मिल गया? जीडीपी की फुल फॉर्म बता दें। हाँ फुल फॉर्म इंग्लिश में कह रहा हूं, इधर देखें, जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी सर, इंग्लिश में। सही? और जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नोट्स में मौजूद है आपके पास। गर्ल्स आप फॉलो कर जी सर, आपको मिल रहा है ना ये सॉरी, एक नोट्स, बार और बताइएगा। नोट्स में मिल रहा है ना गर्ल्स आपको ये सब? हाँ रवि, क्या कह रहे हो? एक रवि बार फिर बताइएगा जीडीपी का फुल फॉर्म। भाई, आपको वो मुख्तलिफ तस्वुरात मिल गए किताब में? जीडीपी का फुल फॉर्म बता दीजिए सर। और भाई इंग्लिश में पूछो ना, उर्दू में। नहीं सर, अभी मिल रही नहीं है, मैं अभी जो है आप जो बता रहे हैं वो सब चीजें नोट डाउन कर रहा हूँ, अब भाई उर्दू मैं में ही है, आपको बता लेकिन रहा हूँ अभी वो चीजें जीडीपी जो का आप बता रहे हैं फुल वो फॉर्म नोट इंग्लिश में डाउन कर रहा हूँ बताऊँ, ताकि उर्दू में फुल फॉर्म बताऊँ? में जो है आराम से मिल जाए। सुनो रवि अच्छे तरीके से, जीडीपी का उर्दू में फुल फॉर्म है खाम कौमी पैदावार, इंग्लिश में, इंग्लिश में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी सर, ठीक है, डन। सही गुड। अच्छा जी, तो
अब जीडीपी और जीएनपी में फर्क समझ में आ गया कि जीडीपी में फॉरेन सेक्टर इंक्लूड नहीं होता और जीएनपी में फॉरेन सेक्टर इंक्लूड होता है। फिर से समझा रहा हूं, एक मुल्क में एक साल में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज बन गई उसको आप काउंट कर लें तो ये आपका क्या कहलाएगा, जीडीपी। अच्छा, जिनके पास नोट्स है वो नोट्स निकालें और उनको मैं नोट्स में जरा से एक चीज क्लियर कर दूं। हाँ भाई, नोट्स निकाल लिए बच्चों आपने? पेज नंबर 70 पे देखें निमरा मधिया, आपको फॉर्मूला नजर आ रहा होगा जीएनपी का। रिप्लाई करो मुझे, फॉर्मूला नजर आ रहा है? जी सर नजर आ रहा है। जी सर आ रहा है। अब आप ये देखें फॉर्मूले में क्या है, ये फॉर्मूला जो है ना, ये पूरा पैराग्राफ जो ऊपर लिखा है उसको सम अप कर रहा है। फॉर्मूला आपका ये क्या है, सी प्लस आई जी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो सी से मुराद क्या है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी से क्या मुराद है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सही एक्सपेंडिचर। इसका क्या मायने कि आपने जो पर्सनल कंजम्पशन किए हैं वो सबके सब क्या करें आप, वो सबके सब जो है पर्सनल कंजम्पशन जो आपने किए हैं वो सबके सब आप ऐड कर लें। उसके बाद है आपके पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, आईजी लिखा हुआ है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मैंने कि जितनी भी गवर्नमेंट में, सॉरी आईजी मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है आप वो सारी इन्वेस्टमेंट काउंट कर लें। फिर है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी, गवर्नमेंट ने जो जो खर्चे किए, क्या खर्चे किए गवर्नमेंट ने, भाई गवर्नमेंट ने आपको मतलब के डिफेंस पे, पुलिस पे, कोर्ट्स पे, आपकी शहरी सहूलियात पे, बहुत सारी चीजों पे गवर्नमेंट ने क्या किया आपके लिए खर्चे किए हैं, उसको भी आप काउंट कर लें। या इन्वेस्टमेंट की है वो आप सब काउंट कर लें और उसके बाद एक्सपोर्ट ऐड कर लें और इंपोर्ट्स को आप लेस कर लें, तो अल्टीमेटली क्या होगा आपके पास, आपके पास जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगी। यानी कि ये लास्ट वाला था। हाँ बोले, ये एक्सपोर्ट माइनस क्या है ये समझा दें। एम स्टैंड फॉर इंपोर्ट्स, ओके सर। यानी कि वही फॉरेन सेक्टर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा ना, तो एक्सपोर्ट्स को आप ऐड कर लें और इंपोर्ट्स को आप लेस कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास क्या आ जाता है, जीएनपी आ जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वन बाय वन बताएं रवि। जी सर। रवि जी सर, जी सर, किताब में मिला भी है या नहीं मिला? जी सर। अच्छा, और देखो ये रिकॉर्डिंग हो रही है लेक्चर ना, तो ये लेक्चर जब रिकॉर्ड हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसको भी नहीं मिलता, लिख सकते हो, सही है। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, सही। दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, एनएनपी, क्या है एनएनपी। एनएनपी के मायने है खालिस कौमी आमदनी, उर्दू में क्या है खालिस कौमी आमदनी और इंग्लिश में है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या है इसके मायने, नेट नेशनल प्रोडक्ट। मिल गया आपको, यानी कि वो तो नोट्स में है ये। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, देखिए जब लफ्ज आ जाते हैं ना नेट, इसके मायने होंगे खालिस। अब जरा तवज्जो करें,
ये एक लफ्ज नजर आ रहा होगा डेप्रिसिएशन, आप स्क्रीन की बात करो, स्क्रीन पे एक लफ्ज नजर आ रहा होगा डेप्रिसिएशन, आपने काउंटिंग में भी ये पढ़ा होगा। मधिया डेप्रिसिएशन के क्या मायने बताओ? निमरा आप बता दो डेप्रिसिएशन के मायने काउंटिंग में क्या आते हैं, समझे आए? सर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड फिक्स्ड एसेट पे वो अमाउंट होती है जो यूटिलाइज हो चुकी होती है। एक हद तक सही जवाब दिया आपने, गुड। देखें डेप्रिसिएशन के मायने जब हम इकोनॉमिक्स में लेंगे, आसान लफ्जों में आप ये समझे, डेप्रिसिएशन के मायने वियर एंड टियर अलाउंस क्या है? वियर एंड टियर अलाउंस, वियर एंड टियर अलाउंस, सही है, आसान लफ्जों में आपको बता रहा हूं। वियर एंड टियर अलाउंस के क्या मायने? टूट फूट का शिकार या टूट फूट पे जो आपके पैसे लगते हैं, इसको हम क्या कहते हैं भाई? वियर एंड टियर अलाउंस। अब एक जरूरत बात ध्यान में रखें आप, बात यह है कि नेशनल इनकम में या ग्रॉस नेशनल इनकम में या जीडीपी या दोनों में भी आप कर लें, सिर्फ हम वो चीज लेंगे जो उसी साल बनी हो, फ्रेश पीस लेंगे, सेकेंड हैंड या रीसेल वैल्यू हम इसमें काउंट नहीं करते। क्लियर हो गई बात? लेट सपोज रवि आपने एक मोबाइल खरीदा 10,000 का, तो ये जीडीपी में ऐड हो गया, लेकिन आपने यही मोबाइल अपने दोस्त को बेचा 6,000 में, तो डैट वैल्यू नॉट काउंट इन जीडीपी, वो वैल्यू जीडीपी पे काउंट नहीं होगी। समझ गए क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम नेशनल इनकम में से फर्स्ट टाइम वंस अ टाइम वाले की बात करते हैं, रीसेल वैल्यू इसमें हम नहीं लेंगे। यहाँ पे बात क्लियर हो गई? सर अगेन मैं ये कह रहा हूँ जीएनपी पे मैं रिपीट कर रहा हूं निमरा, मैं ये कह रहा हूं जीएनपी पे या जीडीपी पे हम वो वैल्यूज लेंगे जो फर्स्ट टाइम आपने खरीदी है चीज, रीसेल चीज जीडीपी या जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगी। एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि एक मोबाइल है 10,000 में खरीदा आपने, तो ये जीएनपी में या जीडीपी में काउंट हो गया, लेकिन जब आप ये बेचने गए, आपने अपने दोस्त को या कजन को या भाई वगैरह को किसी को आपने ये 6,000 में मोबाइल बेच दिया, तो ये 6,000 जीडीपी में इंक्लूड नहीं होंगे। क्लियर निमरा? यस सर। अच्छा तो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि फर्स्ट टाइम वो चीज जो बिक रही है वही इंक्लूड होंगे, वरना फिर इकोनॉमिक एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं पता चलेगी, फिर तो इकोनॉमी आमदनी में उतार और चढ़ाव का नजरिया ये। हाँ क्या कह रहे हो, उतार और चढ़ाव का नजरिया है भाई? सर एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ रवि सुन रहा हूँ मैं, बोलो। रवि बोले बेटा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। अब सही आ रही है आवाज रवि? सर कौमी आमदनी में उतार चढ़ाव का नजरिया ये मिला है। अरे बेटा आप किताब को अभी बंद करके, कौमी आमदनी में उतार चढ़ाव का नजरिया, आप किताब को ना बंद कर रखो, ये मिला है मुझे कौमी आमदनी में उतराव और चढ़ाव का नजरिया। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, किताब को बंद करके रखो, लेक्चर पे फोकस करो, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, वही चीज आपको किताब पे मैं ढूंढ के ना बाद में देता हूँ आपको, जो है ना व्हाट्सएप नंबर पे रजा के व्हाट्सएप से ना मैं आपको बाद में करता हूँ क्लास के बाद, सही है?
आप अपना भी पूरा फोकस जो है ना किस पर करें, लेक्चर पर करें, लेक्चर में उर्दू में ही समझा रहा हूँ भाई मैं, समझ गए? हाँ, ये क्लास जब खत्म हो जाएगी ना, ये जब लास्ट सेशन हो जाएगा अभी, इसके बाद एक और सेशन होगा, उसके बाद मैं आपको जो है ना सारा जो है जी, वो मैं फिर आपको व्हाट्सएप पे या आपको मैं बताऊंगा कि वन बाय वन मुझे पेज नंबर बताते जाना, मैं आपको जो है वो फिर बताऊंगा कि हाँ भाई इसमें ये टॉपिक आप करें, क्लियर? वरना तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के, सही है? ये चीज मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, मेरे हाल से तो 2-3 मिनट बाद ये सेशन एंड हो जाएगा, उसके बाद जो है ना आपने 5 मिनट है, 5 मिनट के बाद सेशन एंड हो जाएगा, फिर हम नया सेशन करेंगे इंशाल्लाह, भी ब्रेक नहीं दे रहा हूँ उसमें। डन है। हाँ भाई, निमरा और मधिया ब्रेक तो नहीं चाहिए? चाहिए सर। ब्रेक लोगी तो फिर आगे का सेशन कितना की ब्रेक चाहिए? मतलब और आवाज बिल्कुल भी नहीं।
सर नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही? आठ बजकर 30 मिनट में कंटिन्यू करूंगा निम्रा, क्लियर हो रही आवाज? बढ़िया जी सर, ओके। रवि जी सर, 8:20 पे मैं पूछाना। सर अभी आपकी आवाज रुक गई थी, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। आ रही आवाज?